ओ ये क्या कर रहे हो तुम यार। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर ये बता रहे थे कि अगर आप ऐसे करते हैं सर को और नीचे करते हैं और फिर लेफ्ट करते हैं राइट करते हैं, इससे जो आपके जॉ है ना, आपकी जॉ लाइन डेवलप होती है और आपका जो फेस का फैट होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि फेस बड़ा मोटा है तो फेस को पतला करना है, तो ये चीज़ सारी ठीक हो जाती है इससे। नहीं 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 यार, तुम एक काम करो, तुम बबल गम लो, तुम बबल गम चबाओ, तुम जितनी ज़्यादा बबल गम चबाओगे ना, तुम्हारी जॉ की एक्सरसाइज होगी, जब तुम्हारी जॉ की एक्सरसाइज होगी तो तुम्हारी जॉ लाइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब हम श्योर कि आपने ऐसी बातें कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सुनी होंगी, हो सकता है कि आपने की भी हो। अब क्या ये चीजें आपका फेस फैट कम करने के लिए एक्चुअली काम करती हैं या नहीं करती, और अगर फेस फैट और किसी तरीके से कम होता है तो वो क्या है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब अक्सर लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमने सारी बॉडी का फैट लूज कर लिया लेकिन हमारा फेस फैट नहीं जा रहा, हमने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है लेकिन हमारा फेस फैट नहीं कम हो रहा, ओवरऑल हम ठीक है, हमारे बाजू से भी फैट चला गया है, हमारे पेट से भी चला गया है, हमारी लेग से भी चला गया, लेकिन ये जो फेस फैट है, ये जो पफी फेस है हमारा, ये नहीं जाता। अब बात करते हैं कि फेस फैट होता क्या है। जैसे आपकी पूरी बॉडी में जब आपके आर्म्स थे, यहां पे आपकी चर्बी थी, आपके पेट पे चर्बी थी, वैसे ही आपके चेहरे पे भी चर्बी है। अब आप उसको कम करना चाह रहे हैं, आपने फोकस किया, ओवरऑल आपने एक्सरसाइज की, अब आप कहते हैं कि ठीक है बाइसेप कर्ल्स होते हैं, स्क्वाट्स होती हैं, ये सारी चीजें तो बाकी बॉडी के, तो ऑफकोर्स जॉ की भी कोई ना कोई एक्सरसाइज होती होगी। जॉ लाइन ऐसे कैसे निकलेगी? कोई कह रहा है कि बबल चबाना शुरू कर दें, कोई कह रहा है कि आप ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें तो आपका फेस फैट जाएगा, तो क्या ये चीजें काम करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें काम क्यों नहीं करती? देखें, फेस फैट वैसा ही फैट है जैसे आपकी ओवरऑल बॉडी में है, तो आपने उसको भी उसी तरीके से कम करना है जैसे आपने बाकी बॉडी फैट को कम किया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे, आप ये ऊपर नीचे करना शुरू हो जाएंगे, लेफ्ट राइट करना शुरू हो जाएंगे, उससे आपकी जॉ लाइन आएगी या आपका जो फेस पफी है, तो ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। अब चले, हमने ये भी बात कर ली कि बबल गम भी काम नहीं करती, ये एक्सरसाइज भी काम नहीं करती, तो काम क्या करती है, फेस फैट को कम कैसे करें? देखिए, सबसे पहले स्टेप वन, आपको अपनी कैलोरीज देखनी पड़ेंगी। आई नो आप बहुत ज़्यादा अनॉय होते होंगे कि यार ये हमेशा बंदा कैलोरीज की बात क्यों करता है, क्योंकि घुमा फिरा के बाद कैलोरीज पे आती है। आपकी कैलोरीज अभी भी ज्यादा हैं, आपको लगता है आप कम कंज्यूम करें लेकिन आप कम कंज्यूम नहीं करें, आपको अपनी कैलोरीज गिरानी पड़ेंगी थोड़ी सी, आपको अपने मैक्रोस पे फोकस करना पड़ेगा, आपका प्रोटीन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और हो सकता है अक्सर लोगों का जो पफीनेस होती है चेहरे पे, वो फैट नहीं होता, वो पफीनेस होती है, दैट्स बिकॉज दे रिटेनिंग अ लॉट ऑफ वाटर। उसकी रीजन क्या है कि वो बहुत ज्यादा हाई सोडियम डाइट पे हैं, तो आपको सोडियम अपनी डाइट से थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा। सोडियम क्या चीज होती है? नमक, मसाले, मिर्च, ये थोड़ी सी कम करें। मैं नहीं बोल रहा कि अपने खाने से हटा दें, ऑफकोर्स फीका खाना कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन क्रिएट करती हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा कम करें। अक्सर लोग नमक बहुत ज्यादा तेज खाते हैं, तो अगर आप नमक तेज खाते हैं, इट्स हाईली लाइकली प्रोबेबिलिटी कि आपका जो चेहरा है वो पफीनेस में आएगा, आपका चेहरा पफी होगा, तो आपने अगर उसको एलिमिनेट कर दिया तो हाईली लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो चेहरा है वो वापस शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका चेहरा एक्चुअली मोटा है, फैट है उसके ऊपर, तो उसका एक ही तरीका है कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे रहने का। आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, आपको अपनी कैलोरीज जो है वो मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कंज्यूम करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली होती है वो ये होती है कि आप कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलें कि मैं आर्म्स का फैट हटा दूं या मैं फेस फैट हटा लूं या मैं टांगों का फैट हटा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप किसी एक जगह से फैट लॉस कभी भी नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल बॉडी फैट नीचे लेके आना पड़ता है। आपकी बॉडी आपको बता के फैट लॉस नहीं करेगी कि मैं अभी यहां से कर रही हूं, फिर मैं अगले हफ्ते यहां से करूंगी और फिर मैं अगले हफ्ते यहां से करूंगी, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी खुद चूज करती है। जैसे आपने जब आप मोटे हो रहे थे, जब आपका बॉडी फैट ऊपर जा रहा था, आप जैसे चूज नहीं कर सकते थे कि अब मैं कहां से वेट पुट ऑन करूं, वैसे ही आप ये भी चूज नहीं कर सकते कि आप वेट लॉस पहले कहां से करेंगे। हो सकता है आप चाह रहे हैं कि मेरा फेस फैट कम हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी टांगों पर जो चर्बी है वो अभी भी है, तो हो सकता है कि पहले वो जाए, हो सकता है फिर एंड में जाए। अक्सर लोगों का स्टबन एरिया होता है, ये अक्सर लोगों का स्टबन एरिया होता है लेग्स, अक्सर लोगों का स्टबन एरिया होता है आर्म्स, तो जो स्टबन एरियाज होते हैं उनको जाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। अब मसला ज्यादा टाइम का नहीं है, लोगों का सबसे बड़ा इशू यह होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो अगर 2 महीने 3 महीने एक चीज फॉलो करते हैं, वो चौथे महीने कहते हैं यार मैं नहीं कर रहा, आई एम डन विद दिस, एंड दे गो बैक टू द डाइट एंड दे आर ईटिंग क्रैप। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो चर्बी है, जो उनका बॉडी फैट लेवल है, वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब वो कहते हैं कि यार हम पहले इतने अच्छे लग रहे थे, हमारा चेहरा इतना अच्छा लग रहा था, अब वो इतना पफी क्यों लग रहा है, इतना मोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप मोटे हो गए हैं, आपने बॉडी फैट गेन कर लिया है। तो बॉडी फैट को कम करने का तरीका एक ही है, आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कैलोरीज का घाटा, कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी आपको। प्लीज ये बात याद रखिएगा कि ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो आप सर ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं फिर लेफ्ट करते हैं राइट करते हैं, ये सारी चीजें काम नहीं करती। आप बबल गम जितनी मर्जी चबा लें, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका जो फेस से फैट है वो नहीं जाएगा। और जो लोग मेरे से इख्तलाफ रखते हैं या जो लोग कह
कहते हैं कि हमारा बबल गम से या ये एक्सरसाइज करने से हमारा फेस का फैट गया है, तो आपका फेस का फैट उन चीज़ों की वजह से नहीं गया था, आपने अनइंटेंशनली अपनी कैलोरीज कम की थी, आपका बॉडी फैट नीचे गया था, इसकी वजह से आपका जो फेस फैट है वो कम हुआ था। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट इज ट्राइंग टू फूल यू अगैन। मैंने इसके बारे में एक और वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा। सो नाउ द ओनली वे टू बर्न योर फेस फैट और रिड्यूस योर फेस फैट, अपने चेहरे की चर्बी कम करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे जाएंगे, आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हो सकता है कि आप सारा दिन बैठे रहते हो, आप लेजी हो सकता है आपकी डेस्क जॉब हो, आप हिलते नहीं हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप जो एक्टिविटी है आपकी दिन की उसको बोलते हैं नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एक तो होती है कैलोरीज जो आप एक्सरसाइज करते हुए बर्न करते हैं, दैट्स ग्रेट, सबको करनी चाहिए एक्सरसाइज। आई रिकमेंड 99% ऑफ द पीपल, जो 1% हैं वो लोग हैं जो किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं कर पाते, अदरवाइज 99% लोगों को करना चाहिए वर्कआउट। तो एक तो कैलोरीज वो होती हैं जो आप वर्कआउट के दौरान बर्न कर रहे होते हैं, दूसरी होती है नीट। तो आपको अपनी नीट पे फोकस करना है। नीट क्या होती है? नीट वो होती हैं कैलोरीज जो आप सोते हुए, खाते हुए, अपना घर का काम करते हुए या चलते फिरते हुए बर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने स्टेप्स अगर देखूँ, आई डोंट नो आपको नज़र आएगा या नहीं, तो ये मेरे स्टेप्स हैं 5255, ये दिन के एंड पे तकरीबन 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। नाउ आई एम ए वेरी एक्टिव पर्सन, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी जितने एक्टिव हों, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी थोड़ी सी कैलोरीज जो बर्न करें वो बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ाएंगे? जो आप घर का काम करें वो थोड़ा सा ज़्यादा करें। अगर आप गाड़ी लेके मार्केट तक जा रहे हैं तो आप पैदल जाएं। आप अगर लिफ्ट से ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप सीढ़ियों से जाएं। यहाँ से आप कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा बर्न करते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो कैलोरीज आप बर्न करते हैं आपको नहीं पता हो सकता कि आप कितनी बर्न करें। मेरी वॉच मुझे इस टाइम बता रही है कि मैंने 1700 कैलोरीज बर्न की हैं। मैंने 1700 एक्चुअली, हो सकता है ना बर्न की हूँ, हो सकता है मैंने कम की हूँ, हो सकता है मैंने ज़्यादा की हूँ। तो इसके ऊपर मैं रिलाई नहीं करूँगा कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। ऐसे तो मैं जितनी कैलोरीज बर्न करूँगा उतनी मैं खा भी लूँगा, तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, हमने कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। ऑन दी अदर हैंड, हमने जो कैलोरीज बर्न करें हमने अपनी ये कोशिश करनी है कि हम जो बर्न करें वो ज़्यादा बर्न करें। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना कि हमने कैलोरीज कितनी बर्न की अपनी वॉच में या अपने फ़ोन में, क्योंकि वो फिगर बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हो सकता है। और अगर वो इनएक्यूरेट है और अगर आपने कैलोरीज ईट बैक कर ली तो आपका गोल ख़राब हो जाएगा। तो अगली दफ़ा अगर आपको कोई ये बोले कि आप ऐसे कर लो, ये बबल गम खा लो, आपका इससे जो फेस फैट है वो कम हो जाएगा, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो दिखाइएगा और उसको प्लीज़ हकीकत से आगाह कीजिएगा कि ऐसा नहीं होता। तो गाइज़, आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने से थोड़ा सा यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।